न्यूजीलैंड टूर ऑफ पाकिस्तान। जी हाँ, कई सालों बाद न्यूजीलैंड पाकिस्तान का दौरा और पाकिस्तानी टीम में बड़ी तब्दीलियाँ, इस लिहाज से भी क्योंकि आप जानते हैं कि अब T20 वर्ल्ड कप करीब है। जो टीम अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ पार्टिसिपेट करेगी ऑलमोस्ट वही T20 वर्ल्ड कप में खेलेगी। सो चलिए डिस्कस करते हैं सबसे पहले ओपनर से। नंबर वन विकेट कीपर बैट्समैन, ओपनर भी हैं और मिडल ऑर्डर भी हैं, मोहम्मद रिजवान। नंबर टू कैप्टन किंग बाबर आजम। नंबर थ्री लेफ्ट हैंडेड हार्ड हिटर शजील खान। नंबर फोर लेफ्ट हैंडेड फ़खर जमान। नंबर फाइव प्रोफेसर आरउंडर मोहम्मद हफीज। नंबर सिक्स हार्ड हिटर सोएब मकसूद। नंबर सेवन हार्ड हिटर हैदर अली। नंबर एट हार्ड हिटिंग बैट्समैन विकेट कीपर आजम खान। नंबर नाइन आरउंडर शदाब खान। नंबर टेन आरउंडर इमाद वसीम। नंबर इलेवन लेग स्पिनर उस्मान कादिर। नंबर ट्वेल्व फास्ट बॉलर बॉलिंग आरउंडर हसन अली। नंबर थर्टीन फास्ट बॉलर शाहीन शाफरीदी। नंबर फोर्टीन फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन, और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है मोहम्मद आमिर, क्योंकि ये लीडिंग विकेट टेकर हैं कैरेबियन प्रीमियर लीग यानी CPL के। सो आप अगर अंदाज़ा लगाएं कि तमाम जो इनकी मुखालफत है टीम मैनेजमेंट के साथ या टीम मैनेजमेंट की इनके साथ अनबन है, उसको साइड पे रख के और पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए और पाकिस्तान टीम के बारे में सोचना चाहिए। सो आमिर की वापसी ज़रूरी है, क्या आमिर को वापस आना चाहिए? कमेंट्स में कमबैक आमिर ज़रूर टाइप कीजिए। वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।